आगामी 6 नवंबर से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े में विश्व हिंदू परिषद देश के 1.5 लाख गांवों तक पहुंचकर 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं को जोड़ेगा। विहिप के केंद्रीय सहमंत्री एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख विजय शंकर तिवारी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद को कार्य करते हुए 58 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कई आंदोलन, अभियान तथा सृजनात्मक कार्य हमने हाथ में लिए। सन 1984 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन आरंभ किया। आज अयोध्या जी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही राम सेतु, धारा 370 तथा 35A आदि विषयों पर भी हमने हिंदू समाज की भागीदारी एवं सहयोग से सफलता अर्जित की। आज से 10 वर्ष पूर्व तक लव जिहाद मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन आज सरकारों ने धर्मांतरण पर कानून बना दिए। गौ सुरक्षा तथा गौ संवर्धन के लिए अनेकों कार्य प्रारंभ किए गए। पंचगव्य से औषधियां बनाई, जो काफी प्रचलित हुई। वेदों पर वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अध्ययन के लिए संस्थान स्थापित किए गए। 2024 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस हीरक जयंती के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के इस देशव्यापी हितचिंतक अभियान को सर्वस्पर्शी बनाने हेतु 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हम समाज के हर जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से संपर्क कर उन्हें हिंदू समाज व राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ेंगे। अभियान में विशेष वर्ग के लोगों को जोड़ने हेतु विशेष संपर्क भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षाविदों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, वकील, पूर्व जजों, गायकों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों इत्यादि प्रतिभाओं को एवं सभी तरह के सेलिब्रिटियों को भी जोड़ा जाएगा। वहीं विजय शंकर तिवारी ने कहा कि हितचिंतक अभियान की टोलियों का लक्ष्य भारत के 1.5 लाख गांव तक जाकर 1 करोड़ हितचिंतक बनाने का है। इसके अंतर्गत लोगों को विहिप के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी, जिससे घर वापसी के अभियान में और तेजी आए। साथ ही हितचिंतक अभियान का उद्देश्य विहिप के विभिन्न आयामों के कार्यों का जनसेवार्थ विस्तार करना है। सेवा कार्यों से अधिकाधिक वंचित समाज को जोड़ना, नई पीढ़ी में सनातन संस्कारों का संचार करना, गौवंशों की रक्षा तथा गौपालन, सामाजिक समरसता, नारी सशक्तिकरण, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण व मठ मंदिरों की सुव्यवस्था के साथ ही हिंदू समाज को संगठित करते हुए उसकी सुरक्षा के संकल्प का भाव जगाना भी अभियान का ही उद्देश्य है। विश्व हिंदू परिषद मतांतरण और लव जिहाद रोकने और घर वापसी के लिए किस तरह कटिबद्ध है, यह जानकारी भी अभियान के अंतर्गत दी जाएगी। मस्जिद से निकल करके ढेरों में पत्थर भर करके हाता को और हाता के आसपास कॉलोनियों को प्रहार करने की पूरी योजना थी, लेकिन परिषद के कार्यकर्ता और हिंदू समाज ने मिल करके उस षड्यंत्र को विफल किया था। फतेहपुर में आपको एक जानकारी देता हूँ, आपके ध्यान में होगा कि किस प्रकार से वहाँ ईसाई धर्मांतरण चल रहा है, और उस ईसाई धर्मांतरण को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने एक अभियान चलाया और एक जन जागरण के कारण आज 67 ऐसे धर्मांतरण करने वाले ईसाई पादरी और उनके जो अभियान में लगे हैं वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 100 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है। या तो वहां से निकाल करके आप बाहर पलायन करवाओगे तो वो पलायन कहलाएगा। तो जो लोग वहां रहते हैं, जब सामने संकट आता है तभी उसका प्रतिरोध दिखाई पड़ता है, उसके पहले दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब जब मुझे लगता है वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं आई होंगी, हिंदू समाज ने खड़े होकर के उसका प्रतिकार किया होगा, उनके षड्यंत्र को विफल किया होगा। अब तक 67 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जेल जा चुके हैं। 100 से अधिक ऐसे अभियान पर लगे हुए लोग हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वर्ल्ड विजन नाम की एक संस्था है, जो ये फॉरेन की संस्था है, डोनेट होता है पैसा, विदेश से पैसा आता है, यूरोपीय कंट्री, ईसाई कंट्रियों से आता है। उस पैसे से प्रलोभन दे करके और लड़कियों की शादी कराने में पैसा देना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पैसे के प्रलोभन दे करके वो गरीब और सेवा बस्तियों में जाकर के करते हैं। आपने जो वो रजिस्टर की बात कही है, उनके घरों में जाकर के जब ये बातचीत व्यक्ति व्यक्ति से जाकर के हो रही है, तो उस पर उन्होंने यही बात अपने मुखारविंद से दिया कि मेरी शादी, मेरे बच्चे की शादी है, बेटी की शादी, उसमें पैसा देंगे, आपको घर बनवा करके देंगे और हम महीने में पैसा आपको देंगे, आप ईसाई बनिए। तो लोगों ने उसका तिरस्कार किया है और कहा है कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हैं और आपको बहुत जल्द ऐसा सूचना मिलेगी कि वो सारे के सारे लोग पुनः अपने घर वापसी कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।